अच्छा था गाइस, यहाँ पर बेस आ रहा है बहुत अच्छा। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज आ चुका हूँ फिर से और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो एक होम थिएटर बनाना सिखाऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो पर। तो गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाना। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जो है होम थिएटर को बनाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ जो कंपोनेंट चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मेन टू जो चीज़ें हुआ है हमारा सर्किट। तो गाइस, यहाँ पर मैं जो 2.1 होम थिएटर किट को यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो गाइस, यहाँ पर जो है 20-30 का 3 IC का जो है बोर्ड है, और बहुत जो है मस्त जो है बोर्ड है, बहुत अच्छा ही बोर्ड है गाइस। तो चलिए अभी यहाँ पर जो मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते जो है सब वूफर का यहाँ पर वायर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, बहुत ईजी कनेक्शन है। तो अभी मैं आपको कनेक्शन समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझना। सो गाइस, जो है 1212 का जो है ट्रांसफार्मर का जो है वायर है गाइस, और देख सकते हो यहाँ पर 1212 जो है बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। उसके साथ जो है यहाँ पर बेस का वायर है गाइस, यहाँ पर बेस लिखा हुआ है। उसके साथ ट्रेवन का वायर है, और यहाँ पर जो है वॉल्यूम और स्पीकर का जो वायर है, और यह Wi-Fi DC जो है ब्लूटूथ मॉड्यूम के लिए जो है वायर है। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 2 यहाँ पर आपको पोटेंशियोमीटर चाहिए। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटेलाइट स्पीकर चाहिए, कुछ इस तरह का ट्यूटर, और गाइस यहाँ पर हमारा मेन चीज़ जो है सब वूफर। सो गाइस, यहाँ पर जो मेरे पास सब वूफर है गाइस, यहाँ पर 20 वाट का है, 4 इंची का। तो यहाँ पर उसके बाद चाहिए यहाँ पर पावर सप्लाई, जो कि गाइस यहाँ पर ट्रांसफार्मर है 1212 का, आपको ट्रांसफार्मर भी चाहिए। तो भाई चलिए अभी अपने आपको कनेक्शन बताऊँगा, आप लोग अच्छे से समझना। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पोटेंशियोमीटर लेना है, और पोटेंशियोमीटर का जो दोनों चैनल को आपको पिन को जोड़ के यहाँ पर ग्राउंड करना है। उसके बाद फिर आपको वॉल्यूम का वायर लेना है, और वॉल्यूम का जो माइनस है मतलब जो ग्राउंड है ब्लैक कलर का वायर, उसको गाइस जहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर पर ग्राउंड बनाया था वहाँ पर को कनेक्ट करना है। उसके बाद जो मीडियम का वायर है वहाँ पर आपको रेड को कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर जो ऑरेंज कलर का जो है उसको गाइस जो लास्ट पिन बचता है वहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से गाइस। और बाकी जो 2 पिन है वहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट देना है, तो वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। सो गाइस, अभी यहाँ पर आपको जो है बेस का कनेक्ट करना है, तो बेस को भी यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट करना है, 1st, 2nd, 3rd इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। और गाइस, यहाँ पर आप सिंगल पोटेंशियोमीटर जो यूज़ कर सकते हो सिंगल चैनल का। सो मेरे पास जो सिंगल चैनल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर डबल चैनल का जो यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो हो चुका है पूरा कनेक्शन बेस का, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से हो चुका है कम्प्लीट। सो गाइस, यहाँ हमारा ट्रेवन का, तो इसको यहाँ पर मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा। आपको कनेक्ट करना बहुत ईजी है, आपको जो ऑरेंज और रेड कलर है इन दोनों को जो आपको शॉर्ट करना है। सो गाइस, अभी यहाँ पर जो है सब वूफर और ट्यूटर का जो है कनेक्शन करते हैं। तो सब वूफर का जो वायर है यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, आपको करना क्या सिंपली उसको जो है सब वूफर का जो प्लस माइनस है वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। सो गाइस, यहाँ पर हो चुका है कनेक्ट। उसके बाद फिर जो ट्यूटर का है, तो यहाँ पर स्पीकर है गाइस, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है SP, मतलब गाइस जो स्पीकर का है, स्पीकर का यहाँ पर 3 वायर है। तो आपको करना क्या है, जो ब्लैक कलर का वायर है इसमें नेगेटिव है मतलब ग्राउंड, और जो ऑरेंज कलर और रेड कलर है इसमें नेफ्राइट है। तो आपको कोई भी एक चॉइस करना है, और ग्राउंड लेना है, दोनों को आपको यहाँ पर जो है ट्यूटर के माइनस प्लस पर जो आपको इसको जोड़ देना है। तो बस बहुत ज़्यादा ईजी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो बस वीडियो को कैसा लग रहा है आप, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ या फिर नहीं, आप कमेंट में बताना बस। सो अगर जब भी यहाँ पर पावर सप्लाई को तो आपको देना है 1212, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। बोर्ड पर जो 1212 लिखा हुआ है, आपको ट्रांसफार्मर पर जो है ध्यान पे रख के 1212 वायर को जो आपको कनेक्ट करना है। सो अगर यहाँ पर देख सकते हो 1212 का मैंने कनेक्शन कर चुका हूँ। और अगर मैं अभी इसको चालू नहीं करूँगा, गाना नहीं बजाऊँगा, बाद में आपको सुनाऊँगा। सो अगर अभी यहाँ पर जो है इसका बॉडी बनाना है, तो बॉडी बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो PVC पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा PVC पाइप से। सो गाइस चलिए अभी इसको नाप के जो है अच्छे से कट करते हैं दोनों साइड को। सो गाइस यहाँ पर जो दोनों साइड को मैंने यहाँ पर अच्छे से कट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक प्लाईवुड लेना है, प्लाईवुड से जो है आपको यहाँ पर गोंद जो है दो सर्किल आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि दोनों साइड को जो आपको बंद भी करना है। सो गाइस यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो दो सर्किल मैंने कट हो चुका है, तो अभी इनसे जो और एक, सो गाइस यहाँ पर जो एक पर जो आपको एक स्पीकर को कनेक्ट करना है, जो कि हमारा सब ऊपर है। सो गाइस यहाँ पर तो 4 इंची का सब ऊपर के लिए मैंने इसको कट कर दिया हूँ, और इसको भी यहाँ पर अच्छे से कट हो चुका है। सो गाइस अभी यहाँ पर आपको कुछ जो स्पॉन्ज का यूज़ करना है, कुछ इस तरह का नरम नरम जो होता है गाइस, तो आप इसको क्या कहते हो आप बोलना कमेंट पे। तो इसका मैंने कुछ इस तरह का जो है पीस कट कर लिया हूँ, और इसको जो है इसके साथ जोड़ दिया हूँ। सो गाइस हो चुका है, अभी यहाँ पर आपको जो है एयर पास होने के लिए कुछ इस तरह का, तो गाइस मेरे पास जो एक सब वूफर का पारा हुआ था एयर पास होने के लिए, तो अभी यहाँ पर PVC पाइप का भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसका जो यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो गाइस यहाँ पर होन हो चुका है, तो मैं इस साइड पर जो इसको यूज़ करूँगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर आपको फिर से स्पॉन्ज को लेना है, और इसके अंदर जो है कुछ इस तरह से इसको लगाना है, जिससे क्या होगा जो बेस है वो बहुत अच्छा और शानदार आएगा। सो गाइस सारा काम हो चुका है,
अब यहाँ पर जो है हमारा सर्किट है इसको गाइस यहाँ पर जो आपको दूसरा जो पीस बचा था वहाँ पर आपको इसको अच्छे से जोड़ना है। सो गाइस मैंने इसको जोड़ दिया हूँ। यहाँ पर जो पीछे के साइड कुछ स्विच इंडिकेटर और पोटेंशियोमीटर जो लगे गए उनके लिए जो मैंने यहाँ पर हुन भी कर चुका हूँ। तो अभी सारा जो हमारा कंपोनेंट है इन सभी को यहाँ पर एक एक करके जो जोड़ दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा स्विच है SPST स्विच, और मैं यहाँ पर जो है ज़्यादा एम्पियर पर नहीं है, इसका एम्पियर क्या है मुझे अभी नहीं मालूम है, तो आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर का भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर सारा जो है पर मैंने कंपोनेंट को लगा चुका हूँ, देख सकते हो पोटेंशियोमीटर स्विच और जो हमारा स्पीकर आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पर एक जो है सॉकेट का यूज़ किया। सो अगर यहाँ पर देख लो मैंने 1K का जो है रजिस्टर भी यहाँ पर लगा हूँ, जिससे क्या होगा हमारा जो फ्यूज नहीं होगा वो यहाँ पर जो पूरा कनेक्शन हो चुका है। कनेक्शन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। सो अगर अभी इसका अंदर जो है हमें ट्रांसफार्मर को भी यहाँ पर फिटिंग करना है, तो नट्स के स्क्रू से मैं यहाँ पर अच्छे से इसको फिट कर चुका हूँ। सो यहाँ फिट हो चुका है। अभी आपको करना है कि यहाँ पर जो आपको जो एयर जो बाहर आने के लिए जो पाइप है इसको यहाँ पर लगा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको जो है पावर सप्लाई अंदर का जो ट्रांसफार्मर का जो पावर सप्लाई आपको इसको इस पर देना है और इसको जो इसके अंदर फिट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर फिट कर चुका हूँ। और जो हमने बताया था मैं आपको पोटेंशियोमीटर पर जो दो पिन है वहाँ पर आपको ऑडियो इन करना है, तो मैंने यहाँ पर ऑडियो इन कर चुका हूँ ब्लूटूथ मॉड्यूल से, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। सो गाइस यहाँ पर पूरा काम हो चुका है। अभी इसको जो यहाँ पर देवीन पर किसके ऊपर जो रखने के लिए यहाँ पर आपको अभी स्टैंड चाहिए, तो स्टैंड मैंने इसको जिस तरह से यहाँ पर बना चुका हूँ, तो इसको बनाने का प्रोसेस मैं आपको नहीं बताया क्योंकि वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आप इसको देख के जो है समझ सकते हो मैंने इसको किस तरह से बनाया। तो गाइस कुछ इस तरह से जो है अच्छे से यहाँ पर स्टैंड हो चुका है। अभी इसको जो आप कनर कर सकते हो, इसको जैसा मर्जी आप इसको अच्छे से जो है डेकोरेशन कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास अभी कोई कनर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा। सो गाइस फाइनली ये बार जो हमारा होम थिएटर पूरा का पूरा जो है बन के तैयार है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। सो गाइस ये बार दोस्तों मैंने इसको स्पीकर का जो है अच्छे से यहाँ पर फिट कर चुका हूँ, अभी अच्छे से यहाँ पर फिट हो चुका है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा सब कुछ जो यहाँ पर परफेक्ट है। सो गाइस जाने इसको अभी यहाँ पर ऑन करते हैं और आपको इसका साउंड सुनाते हैं, कितना अच्छा है साउंड आ रहा है, कितना बेस आ रहा है, कितना क्वालिटी, कितना क्लियर जो साउंड आ रहा है, सब कुछ आपको पता चलना है। और आप लोग जो कमेंट करके भी मुझे बताना आपको साउंड कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है फिर बुरा। तो चलिए अभी इसको जो ऑन करते हैं और आपको सुनाते हैं इसका पूरा का पूरा साउंड। तो चलिए इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि पीछे के साइड जो सारा सिस्टम है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्विच और स्विच के साइड जो है यहाँ पर देख सकते हो जो इंडिकेटर है, और ये रहा हमारा बोनियम, और बोनियम के नीचे जो यहाँ पर बेस है, और गाइस ये जो हमारा स्पीकर आउटपुट है। और अगर आपके माथे पर जो है कन्फ्यूजन जरूर होगा कि ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको मैंने यहाँ पर कैसे कनेक्शन किया हूँ, तो गाइस इसके ऊपर जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इसको जाके आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो मैं लिंक दे दूंगा वहाँ पर जाके इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए अभी इसको जो ऑन करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखो इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर चुका हूँ, और अभी जो यहाँ पर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको भी मैंने यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, तो ये जो ऑन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर तो जो ऑन हो चुका है। सो गाइस चलिए अभी इसको जो फोन के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको जो गाना बजा के अभी कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अभी इसको फोन के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको गाना बजा के सुना। सो गाइस यहाँ पर जो गाना चालू हो चुका है, जो गाना अभी इसका जो बोनियम है इसको यहाँ पर आप करते हैं और इसके साथ बेस को भी यहाँ पर आप करते हैं आपको। तो चलिए अभी इसको जो सो गाइस यहाँ पर जो बहुत अच्छे से यहाँ पर बेस जो इसका आ रहा है और साउंड क्वालिटी कैसा है कमेंट में बताना गाइस। तो चलिए इसको बहुत अच्छा सा गाइस यहाँ पर बेस आ रहा है, बहुत अच्छा। तो चलिए अभी इसको जो पास में लेके जाता हूँ माइक्रोफोन को। सो गाइस वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। और गाइस मैं आपके साथ जो एक बात कहना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर जो मेरे चैनल पर 96% लोगों ने जो वीडियोस को देखते हैं हर वक्त, लेकिन गाइस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब क्या करो क्योंकि पूरा पूरा फ्री है सब्सक्राइब करना। और गाइस आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो गाइस मैं जो मोटिवेशन देता हूँ, बहुत अच्छा अच्छा जो कंटेंट भी आपके साथ जो प्रोवाइड कर पाता हूँ, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते हो। तो गाइस सब्सक्राइब क्या करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। और गाइस इस वीडियो पर मैं आपको जो 10 लाइक का एक टारगेट दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा है। और जो आने वाले वक्त पर जो और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर जो कंटेंट आएगा, बहुत ज़बरदस्त जो यहाँ पर कंटेंट आएगा, आप लोग जो सोच भी नहीं सकते हो इतना अच्छा कंटेंट आएगा। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को करना सब्सक्राइब। सो गाइस आज के इतना ही, और एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक ना गुड बाय, जय हिंद जय भारत।